एक शख्स ने ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन जब उसने खोल कर देखा तो वो हैरान रह गया। शख्स का दावा है कि पिज्ज़े में कांच के टुकड़े पाए गए। उसने उसकी शिकायत कंपनी से की, जिस पर डिलीवरी कंपनी जोमैटो का रिप्लाई आया। दरअसल ट्विटर पर मुंबई निवासी अरुण कोलरी ने पिज्ज़ा की एक तस्वीर पोस्ट की, दावा किया कि उन्होंने यह डोमिनोज पिज्ज़ा ऑनलाइन जोमैटो से ऑर्डर किया था, लेकिन खोलने पर उसमें से कांच के कुछ टुकड़े निकले, जिसको लेकर अरुण कंपनी के साथ साथ मुंबई पुलिस को भी चेक कर इसकी शिकायत की। मुंबई पुलिस ने ट्वीट में जवाब में डोमिनोज के कस्टमर केयर से बात करने की सलाह दी। वहीं पिज्ज़ा कंपनी ने अपने बयान पर कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मामले के तथ्यों का पता चलने के बाद हमने ग्राहक से संपर्क किया है, साथ ही मामले के जांच के आदेश दिए हैं। ग्राहक से नमूना मिलने के बाद मामले की जांच करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। साथ में कंपनी ने यह भी कहा कि हमारी क्वालिटी टीम ने पिज्ज़ा आउटलेट की जांच की, लेकिन कोई खराबी नहीं पाई गई। उधर जोमैटो ने कहा, हेलो अरुण, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हम इस पर गौर कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। इस मामले में ट्विटर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो किसी ने कहा जिम्मेदारी निर्धारित करने की बात कही। एक यूजर्स ने कहा कि अगर पक्ष ने गलती से कांच वाला पिज्जा खा लिया होता तो। एक यूजर्स ने लिखा, घटना की जाँच होनी चाहिए और किसकी गलती से यह हुआ बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल एक्सप्रेस।